हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह का बज रहा है करीब 8:30। शिवाना बाहर ही घूम रहा है, मैं भी जाता हूँ बाहर घूमने। क्या कर रहा क्या करा घूम ले। अपना ठंडा होने लग गया मौसम। सूर्य भगवान जी भी आ चुके हैं अभी अभी क्या बहुत देर पहले। और क्या है वो वहां पे कबूतर का घर था ना, कहां पे? यहां पे जाकर करना। और ये है, ये कर रही है अभी नाश्ते की तैयारी, नाश्ता बना रही है। क्या हुआ है? बदन दर्द, बुखार तो नहीं हो रहा? और इधर ना सुबह सुबह बन रहा है पिज्जा। थोड़ी देर पहले ना घर आ गया था मैं, मैंने तो खा लिया खाना। शिवा ये खा रही है। और शिवा ना देखो क्या खा रहा है, नींबू। खट्टा है वो। खट्टा नहीं लग रहा तेरे को? ले मिर्ची भी खा ले, ले 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 मिर्ची भी खा ले। खाना नहीं खा रहा ये ना, ये तो सोता ही रहता है दिन में ना। आज ना सागर मेरे लिए क्या काम लेके आ रखा है, मंदिर साफ करने का काम। आज मैंने मंदिर साफ करना है, ये है दुकान का मंदिर, इसको साफ करना है। आप सोचते हैं कुछ क्योंकि हमने एक छोटा सा मंदिर हमने मंगवाया है ना, और उसको देखते हैं यहाँ वो करते हैं यहाँ घर वाना। वैसे छोटा दुकान पे ठीक है ना, दुकान वैसा ना स्पेस। तो शाम का ना 3:30 बज रहा है, शाम का नहीं दिन का 3:30 बज रहा है। और खाना पीना खा लिया था हमने, अच्छे से खाया नहीं गया आज खाना, थकान सी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ना खाना नहीं खाया जाता फिर थकान में। और मैं कर रही थी मंदिर साफ, तो हमने मैंने सागर ने डिसाइड करा कि ये वाला मंदिर हम ना घर पे ही रखेंगे, और जो हमारा हमने एक मतलब नया मंदिर लिया हुआ है छोटा सा, वो दुकान पे सागर लेके चले गया, वो बाद में दिखा देंगे आपको। तो यहाँ पे ना कूलर है, कूलर को हमने ना ऐसे मतलब अच्छे से पैक कर दिया उधर सफाई सफाई वगैरह करके, तो इसके ऊपर रख लेंगे मंदिर। क्योंकि यहाँ पे ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन चाहिए, वो अभी हमारे पास नहीं है, बाद में होगा। तो जब तक कूलर की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसे ही इसके ऊपर रख लेंगे। तो मैं इसे ना साफ़ कर लेती हूँ, मंदिर ना मैंने साफ़ कर लिया। तो यहाँ हो रहा था गंदा, तो साफ़ हो गया। और सामान रखते हैं मंदिर में, ये वाला ना थोड़ा ही है मेरा सामान, तो क्योंकि जगह थी नहीं, तो उस हिसाब से ना धीरे धीरे मंदिर हो गया तो सामान भी होता रहेगा। तो भगवान जी, तो मंदिर में ना जितना सामान था मैंने यहाँ रख लिया, और जो ना वैसे सामान था मैंने सागर को प्रोवाइड करने के लिए दे दिया था, जो मतलब मैंने एक्स्ट्रा क्या था जो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे हो रहा था वो, और ये सब हटा दूँगी यहाँ से अब। और सही हो गया, डमरू मैंने ऊपर रख दिया फिलहाल, या देख लेंगे क्योंकि यहाँ सामने पर ना बड़ा बड़ा सा लग रहा है, छोटा वाला यहीं पर रखा हुआ है, तो देख लेंगे बाद में। अब जोत वगैरह जलाऊँगी शाम को, तो तब अच्छा सा हो जाएगा है ना। चुनरी भी मैंने ना धो दी थी माता की, और सूख भी गई 2 मिनट में। और इसके अंदर भी मैंने सामान रख लिया है मेरे, तो ये रहा मंदिर का फुल लुक। पता नहीं चल रहा कूलर है नीचे से। तो घर तो ना मैंने पूरा साफ कर लिया अच्छे से, हाँ सिर्फ ना बर्तन रह रखे हैं, ये मैं बाद में धुलूँगी। और यहाँ ना पूरी सफाई कर ली है, कपड़े से करा क्योंकि झाड़ू वगैरह शाम के टाइम पर सही नहीं है, सूखे कपड़े से। और मंदिर भी सेट हो गया हमारा, जेरो यहाँ पे आ गया अभी। और मैं ना खाना खा लेती हूँ, उस समय ना खाना नहीं खाया गया, तो मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वैसे ही हुआ, थकान सी हो गई थी, अभी भूख सी भी हो गई है। और मैंने आज लौकी चने वाली सब्जी बनाई थी, और चावल हैं, तो ये सॉरी था। क्या बोल रहे हैं आप?
क्रॉक्स पहन के बोल रहा माँ मुझे मच्छर काट रहे हैं आज, और शिवा ने ये जलवा दी जोत, मतलब पानी वाली बड़ा जोत जोत बोलता है जोत। शिवा क्या जलाई आपने, क्या है ये? पानी वाली जोत। बर्तन धुले अभी, और चलो पूजा करें। मैंने मंदिर ना इस डायरेक्शन में लगा दिया, ईशान कोण में, वो गलत वो हो गया था हमसे तो इधर को कर दिया है। ईशान कोण है ना, ईशान कोण में वैसे भी अच्छा रहता है मंदिर। आजा जब दिया लेके आएंगे बाहर से, अरे बाहर से तुलसी जी का दिया लेके आएंगे जलाने के लिए। आओ, नहीं आ रहे आप? पता नहीं क्या करेगा शिवा, क्या कर रहे हो? तो मैं डाल दूंगी थल्ला, मैं डाल दूंगी ना, आप पानी गिरा दे गो बेटा यहाँ। माँ ने थोड़ी देर पहले साफ करा सब, नहीं कैसे जा रहा चलो इतना दिमाग है कि बंद हो गई। अच्छा चलो रख दो, चलो हम बाहर चलें। हाँ। आ रहे हो आप? मैं जा रही हूँ फिर। हाँ तो आ फिर, यहाँ स्लैब पे रख दो वो बर्तन। अच्छा ये चलो मंदिर में ना जोत वगैरह जला लिया है, फर्स्ट जोत जलाई आज मंदिर में, इस वाले मंदिर में, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है मंदिर में जोत वगैरह जल जाए, है ना, तो सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है कि सुबह शाम बस पूजा हो जाए अच्छे से। और शिवा तो खेल रहा है यहाँ पे, शिवा ने भी पूजा कर ली मेरे साथ। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि ना शिवा को ना अपने साथ पूजा करवाऊँ, मतलब ना लगा रहता है मेरे साथ। क्या करना है आपको अब, गाने सुनने हैं? हाँ। ठीक है, वहाँ ना ब्लूटूथ ऑन कर दिया तो गाना लगाती हूँ इसके लिए। तो आज तो ना ये वाला कमरा देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा है, खासकर मंदिर देख के, मंदिर की वजह से। ये पर्दे भी ना अब सारे बंद हो गए ना ऐसे करके, नहीं तो पर्दा ना आधा खोलना खोल के रखना पड़ता था मंदिर की वजह से, तभी ना पूरा बंद हो गया, सही लग रहा। खाने में आज है ये चावल भी है और ये बची हुई है, तो थोड़ा सा ना आटा गूंद देती हूँ बस अभी अभी के लिए। गाने लगाऊँ आपके लिए? हाँ तो टूट गया, ऐसे ही होगा। और वो लगा खेल रहा जेरी ना, खा रहा चावल, चावल रखे हुए थे मैंने उबले हुए इसमें। शिवा मत दे बेटा उसको ऐसी ऐसी चीज़ें। और आटा गूंदा था मैंने, गूंदा क्या था मैं तो ऐसे इकट्ठा सा कर देती हूँ, तो इसको ना वो करती हूँ टिफिन में रखती हूँ और रोटी बना देती हूँ। तो ना 9:15 बज गया है, लेटी हुई थी थकान सॉरी बहुत ज़्यादा, और आटा वो करके ना देखती हूँ रोटी बना देती हूँ, क्योंकि 9:15 बज गया है, सागर का भी आने का टाइम हो रहा है, रोटी बना के रख दूँगी तो फटाफट खा के ना लेट जाऊँगी। उत्तर किचन की साइड काम कर रही थी, इसने पता क्या कर दिया, जेरी को ना इसके अंदर डाल दिया। शिवा दल, शिवा ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं शिवा क्या बदतमीजी है, हाँ छोटा बच्चा है बेटा वो, मैं नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी अब से। पता कांप रहा है वो, गर्मी लग रही है। हाँ। तो मंदिर आया था, मंदिर हमने ना यहाँ पे सेट कर दिया, इधर साइड में पहले हमारा मंदिर था इस वाली खिड़की पर, तो हमने इस मंदिर को कर दिया यहाँ पे सेट। और ये कोई स्टैंड नहीं है, कूलर को ना हमने अच्छे से मतलब ढक दिया, तो इसके ऊपर रख दिया। और ये इधर बना रही है खाना, शिवा